गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बाल साधना शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने लास्ट वाले वीडियो में एपलोक एलिमेंट में अपन ने डिस्कस किया था इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था, कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था इनकी स्थायी होती है और क्यों होती है। इनमें प्रबल ऑक्सीकारक कौन होता है लैंथेनाइड तत्वों में, किस ऑक्सीकरण अवस्था में वो प्रबल अपचायक की तरह बिहेव करता है और किस ऑक्सीकरण अवस्था में वो प्रबल अपचायक या प्रबल ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है, इतना सारा अपन ने डिस्कस किया था। यानी ऑक्सीकरण अंक जो है वो लैंथेनाइडो का +3 ऑक्सीकरण अंक अधिक स्थायी होता है। कारण है इसका, यानी लैंथेनाइड जो होते हैं उनकी आयनन एंथैल्पियों, प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी का योग बहुत कम होता है। यानी इस कारण ये आसानी से क्या कर सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर सकते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने के कारण इनकी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 जो होती है वो मोर स्टेबल होती है यानी अधिक स्थायी होती है। इनके यौगिक, अधिकांश यौगिक जो निर्मित होते हैं इसकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता जो है वो भी +3 ऑक्सीकरण अवस्था द्वारा निर्मित किए जाते हैं। बाकी ऑक्सीकरण अंक इसके अलावा अपन ने देखा था कई तत्व जो हैं वो +2 ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं, कई जो +4 ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं। कारण है उसका F0, F7 या F14 विन्यास, या इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी थे जो इस विन्यास को फॉलो नहीं करते हैं फिर भी वो +2 या +4 का ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं, जिसे अपन ने नाम दिया था असंगत ऑक्सीकरण अंक। अधिकतम ऑक्सीकरण अंक यानी +4 है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, फिर किस में आएगा, स्थायी ऑक्सीकरण अंक में आएगा। उस दौरान इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसका क्या होगा, अपचयन, और अपचयन करने वाले पदार्थ क्या होंगे, अपचायक होंगे। तो जैसे सीरियम +4 का अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि एक प्रबल अपचायक की तरह बिहेव करता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई भी एलिमेंट का उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दे दिया जाएगा या +2 वाले का दे रहा है तो उस स्थिति में क्या करता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। निकालना है तो स्थायी ऑक्सीकरण अंक किस में आ जाएगा, +3 में आ जाएगा, और +3 ऑक्सीकरण अंक में आएगा यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसका क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। और ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या है, अपचयन, अपचयन करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक कहलाते हैं। यानी उल्टा करना करने वाले पदार्थ ऑक्सीकरण है वहाँ प्रबल अपचायक आ जाएगा, और जहाँ पर अपचयन है जैसे सीरियम +4 में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या होता है, अपचयन होता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ जो है वो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक कहलाएंगे। तो सीरियम +4 जो है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक प्रबल ऑक्सीकारक या अच्छे ऑक्सीकारक की तरह बिहेव करता है। तो इम्पोर्टेंट है ये सीरियम +4 वाला, बहुत बार कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 नंबर का। अब देखिए, लास्ट में मैंने पूछे थे आपसे 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि यानी लैंथेनाइडो में कौन सा तत्व जो है वो रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव का एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोमीथियम जो है वो रेडियो एक्टिव है, और बाकी के सारे जो हैं लैंथेनाइड वो रेडियो इनएक्टिव है। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि लैंथेनाइडो में कौन कौन से तत्व ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन जो है 5d में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो इसमें 3 तत्व आ जाएंगे यानी सीरियम, गेडोलिनियम और लुटेशियम। तो 3 तत्व ऐसे हैं तो जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी मैंने आपको ट्रिक से याद करना बताया था CgL, 5d में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 1 1 इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाते हैं, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन 6s2 और बाकी बच गए वो F में भर देंगे तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब अपन देखते हैं लैंथेनाइड जो हैं उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता या केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी या रासायनिक अभिक्रियाशीलता। अभिक्रियाशीलता की बात करूं तो यानी लैंथेनाइडों की प्रथम 3 आयनन एंथैल्पियों का योग क्या होता है,
बहुत कम होता है। बहुत कम होने के कारण कौन सा ऑक्सीकरणांक प्रदर्शित करते हैं? +3 ऑक्सीकरणांक, जो कि क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। इसके अलावा +2 +4 का भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वो इतना स्टेबल नहीं होता जितना कि +3 ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अधिकांश यौगिक जो हैं वो +3 ऑक्सीकरण अंक वाले लेंथेनाइडों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। अब लेंथेनाइड जो है यानी आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। तो लेंथेनाइड को किस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया था अपन ने? एलन के द्वारा रिप्रेजेंट किया था। इसमें परिवर्तित हो जाएंगे एलन 3+ में +3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो यानी इस अवस्था में इसका यहाँ ऑक्सीकरण अंक कितना है? 0। 0 से किस में जा रहा है? +3 में। तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन होने के कारण लेंथेनाइड जो है वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? प्रबल अपचायक, यानी आसानी से हो जाता है। तो क्या वो नाम वर्ड यूज में ले लिया, प्रबल अपचायक की तरह बिहेव करते हैं। तो क्या कारण है कि लेंथेनाइड प्रबल अपचायक की तरह बिहेव करते हैं? तो यानी लेंथेनाइडो की प्रथम 3 आयन यानी एंथैल्पियों का योग कम होने के कारण आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति होने के कारण आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तथा प्रबल अपचायक की तरह बिहेव करते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करूं रासायनिक अभिक्रियाशीलता में, इनकी प्रकृति जो होती है वो धन विद्युती प्रकृति होती है। धन विद्युती का मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसका निर्माण करते हैं? धनायन का निर्माण करते हैं। तो धनायन का निर्माण करने के कारण यानी इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसकी इनकी प्रकृति क्या हो जाएगी? धात्विक हो जाएगी, यानी इनमें धात्विक गुण को प्रदर्शित करते हैं। धन विद्युती मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देते हैं तीव्र गति से। किसका फॉर्मेशन करते हैं? धनायन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये प्रकृति इनकी कहलाती है धन विद्युती प्रकृति। और इलेक्ट्रॉन दिए जाने के कारण कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं? धात्विक प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। अगली प्रॉपर्टी यानी केमिकल रिएक्शन की यदि बात करूँ, यदि इनकी डाई हाइड्रोजन से क्रिया करवाई जाती है, H2 के साथ जब इनकी क्रिया करवाई जाती है तो ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? तो डाई हाइड्रोजन के साथ इनकी क्रिया आसानी से नहीं हो पाती, यानी लगभग टेम्परेचर जो है वो 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक डाई हाइड्रोजन के साथ लेंथेनाइडो को गर्म करते हैं। और गर्म करने पर दो प्रकार के हाइड्राइड बनते हैं, एक LnH2 प्रकार के, एक LnH3 प्रकार के हाइड्राइड बनते हैं। यानी लेंथेनाइड जो है वो डाई हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके LnH2 या बनाते हैं LnH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। ट्राई हाइड्राइड भी बनाते हैं और डाई हाइड्राइड भी बनाते हैं। यानी इनका ऑक्सीकरण कईयों का क्या होता है? +2, तो +2 वाले ये बना देंगे। +3 तो स्थाई ऑक्सीकरण अंक है और सबका ही है, सारे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं? LnH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। तो यानी हाइड्रोजन के साथ इतने ताप के ऊपर गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ये आसानी से कर लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हेलोजन के साथ क्रिया, रिएक्शन विद हेलोजन। हेलोजन हेलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ भी आसानी से क्रिया करके इनके ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी हेलोजन X2 से यदि रिप्रेजेंट करूँ तो लेंथेनाइड के साथ हेलोजन की जब क्रिया करवाते हैं, हेलोजन ऑक्सीकरण अंक -1 +3 किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? LnX3 प्रकार के, यानी लेंथेनाइड ट्राई हैलाइड का फॉर्मेशन ये हेलोजन के साथ क्रिया करके बना देते हैं। अगली केमिकल प्रॉपर्टी है जल के साथ क्रिया, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर यानी जल के साथ भी ये आसानी से क्रिया कर लेते हैं। जल के साथ यानी जब इनकी क्रिया करवाई जाती है तो ये डाई हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं और इनके हाइड्रोक्साइडों का फॉर्मेशन करते हैं और डाई हाइड्रोजन गैस वो बाहर निकल जाती है। यानी लेंथेनाइड जल में जो ही डिजोल्व करेंगे उसके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर देंगे, प्रकृति क्या होगी? क्षारीय होगी, डाई हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो जाएगा। परंतु यदि इनकी क्रिया कूल वाटर के साथ करवाई जाती है, ठंडे जल के साथ यदि करवाई जाती है तो वो रिएक्शन जो होती है वो धीमी गति से होती है। और जब यानी हॉट
गर्म जल के साथ जब करवाई जाती है तो वो तीव्र गति से क्रिया होती है। तो यानी फास्ट रिएक्शन जब होगी तो वो गर्म वाटर के साथ होगी, और यदि धीमी गति से होगी तो वो किसके साथ होगी, कूल वाटर के साथ क्रिया होगी। बाकी दोनों ही कंडीशन में किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर के साथ उसके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा प्लस डाइहाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। अब हाइड्रोक्साइडों की बात करूँ, क्षारीयता यानी हाइड्रोक्साइड है तो प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। लेंथेनाइडों में यानी सीरियम से कहाँ तक सीरीज होती है, सीरियम 58 से लुटेसियम 71 तक। जब सीरियम से लुटेसियम की तरफ जाते हैं तो परमाणुय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के मान में क्या आती है, कमी आती है, जो कि अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन या लेंथेनाइड संकुचन में पढ़ेंगे, क्यों आती है वह आपको पूरा बता दिया जाएगा। तो आकार में कमी आने के कारण इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं सीरियम 58 से लुटेसियम की तरफ जाने पर उनकी क्षारीयता जो है वो कम होती जाती है, कारण है उनका परमाणुय और आयनिक त्रिज्या का कम होना, तो उस कारण उनकी क्षारीयता है वो कम हो जाती है। यदि पूछा जाता है लेंथेनाइडों में कोई एग्जाम्पल दे दिया, हाइड्रोक्साइड दे दिए और उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर आपको जमाना है, क्षारीयता का क्रम यदि जमाना है तो ध्यान रखना आपको सीरियम 58 से लुटेसियम 71 तक सीरियल नंबर से जो दिए हुए हैं, तो यानी पहले जो आएगा उसकी क्षारीयता ज्यादा होगी, और जो जो इधर जाएंगे लुटेसियम 71 की तरफ तो उस स्थिति में उनकी क्षारीयता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद नॉन मेटल अधातुओं के साथ क्रिया, धातुओं के साथ क्रिया यानी धातु तो खुद ही है और धातु अधातु के साथ जब क्रिया करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, करती है या नहीं करती। तो अधातु लेंथेनाइड जो है उच्च ताप के ऊपर यानी हाई टेम्परेचर होगा, उस स्थिति में कार्बन नाइट्रोजन सल्फर आदि के साथ क्रिया करके इनके यौगिक का फॉर्मेशन करते हैं। यौगिक जैसे कौन कौन से बनाते हैं, लेंथेनाइड कार्बाइड का फॉर्मेशन होगा, लेंथेनाइड नाइट्राइड का फॉर्मेशन होगा, एलएन प्लस जैसे नाइट्रोजन है इसके साथ रिएक्शन होगी, लगभग टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि एक उच्च ताप है, यानी इसका प्लस 3 ऑक्सीकरण अंक, इसका माइनस 3, लेंथेनम का नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एलएन प्लस कार्बन के साथ जब क्रिया करवाएंगे लगभग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है 2500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर किसका फॉर्मेशन हो जाता है, लेंथेनाइड कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी प्लस 2 ऑक्सीकरण अंक यहाँ लेंथेनाइड या प्लस 3 में बनाएंगे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। कार्बन का कितना है, माइनस का 4 है। लेंथेनाइड की क्रिया सल्फर के साथ, इसको गर्म करेंगे उच्च ताप लगभग इतना ही टेम्परेचर 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड ताप के ऊपर जब करवाएंगे तो लेंथेनाइड का सल्फाइड बनेगा। तो ये हो जाएगी अधातुओं के साथ क्रिया। अब अपन देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद O2 यानी लेंथेनाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये लेंथेनाइड प्लस 3 ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइड की माइनस 2 इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, लेंथेनाइड का ऑक्साइड LN2O3 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से यानी इनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता में जो प्रोडक्ट बनता है वो प्लस 3 ऑक्सीकरण अंक वाले ज्यादा प्रोडक्ट है वो निर्मित किए जाते हैं, कारण है प्लस 3 ऑक्सीकरण अंक का अधिक स्थायित्व है। तो ये हो गई रासायनिक अभिक्रियाशीलता, किसके साथ क्रिया करके किसका फॉर्मेशन करते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्या है लेंथेनाइड संकुचन, लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन में यानी लेंथेनाइड सीरीज में, तो लेंथेनाइड सीरीज या 4F सीरीज में कह दूं, एक ही बात है, सीरियम 58 से लुटेसियम 71 तक की तरफ जाते हैं, या आवर्त सारणी की यदि बात करूं तो आवर्त सारणी में लेंथेनाइडों में बाएं से दाएं तरफ जाने पर इनके परमाणुवीय आकार और आयनिक त्रिज्या के मान में कमी आती है। परमाणुवीय आकार कम होता है तो परमाणुवीय आकार कम होगा तो त्रिज्या भी क्या होगी, कम होगी, या आयनिक त्रिज्या के मान में कमी आती है।
ऐसा क्यों होता है? यानी सीरियम 58 से लुटेसियम 71 तक की तरफ जब जाएंगे तो इनके आकार में कमी आएगी, या इनकी परमाणु त्रिज्या में कमी आएगी, या आयन के रूप में यदि हैं, प्लस थ्री ऑक्सीकरण अंक है सभी का, उस स्थिति में इनकी आयनिक त्रिज्या के मान में कमी आती है, ऐसा क्यों होता है? तो इस त्रिज्या के कम होने के दो कारण हैं। एक तो है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या नाभिकीय आवेश, और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। दोनों ही आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन यहाँ देखिए कौन सा ज्यादा बढ़ता है और कौन सा कम बढ़ता है, जिसके कारण परमाणुीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के मान में सीरियम 58 से लुटेसियम 71 तक की तरफ जाने पर इनके त्रिज्या के मान जो है वो घटते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो पहले अपन देखते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या होता है, यानी सीरियम 58 से जब लुटेसियम 71 तक की तरफ जब जाते हैं तो आकार में कमी आती है, ऐसा क्यों होता है? यानी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं गए, कौन सा प्रभाव कार्यरत होता है? प्रभावी नाभिक आवेश कार्यरत होता है। प्रभावी नाभिक आवेश में क्या होता है, नाभिक द्वारा बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया जाता है, अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या आती है, परमाणु के आकार में कमी आती है। परमाणु का आकार कम होगा तो क्या कम होगी, परमाणु की त्रिज्या कम होगी। तो यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण आकार में हमेशा क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। जैसे अपन ने देखा था 17 ग्रुप एलिमेंट जो है इनका आवर्त सारणी में आकार अपने आवर्त में सबसे छोटा होता है, कारण है उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो यही प्रभावी नाभिकीय आवेश लैंथेनाइडों पर कार्यरत होता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश कार्यरत होने के कारण इनकी परमाणुीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के मान में कमी आ जाती है। लेकिन प्रभावी नाभिकीय आवेश के साथ साथ कौन सा प्रभाव कार्यरत होता है, शील्डिंग इफेक्ट या परिरक्षण प्रभाव भी कार्यरत होता है। अब ये परिरक्षण प्रभाव होता क्या है, जैसे अपन ने देखा था 3D सीरीज में बाएं से दाएं जाने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, बीच में आकार लगभग समान होते हैं, अंत में क्या होता है, थोड़ा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाने के कारण आकार में क्या होती जाती है, थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है, जो कि कॉपर और जिंक में अपन ने देखा था। तो दूसरा रीजन यहाँ देखिए, लैंथेनाइडों में परिरक्षण प्रभाव जो है वो कम कार्यरत क्यों होता है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, यानी ये नाभिक अब ये जो हो गए वो आंतरिक कोष हो गए, सबसे बाहर जो है वो वैलेंस सेल या बाह्यतम कोष हो गया, ये हो गए आंतरिक सेल और उनमें इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बाह्यतम सेल। तो इस स्थिति में देखिए बाह्यतम इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, लैंथेनाइडों में 6s में जाते हैं, 5d में जाते हैं, और 4f के इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में भरे जाते हैं, n-2 आंतरिक कोष में भरे जाते हैं, यानी इनसे पहले भरे जाते हैं। तो यानी इलेक्ट्रॉन आने वाला इलेक्ट्रॉन लैंथेनाइडों में किस में आता है, 4f में आता है, जो कि कहाँ भरे जाते हैं, आंतरिक कोष में भरे जाते हैं, और आंतरिक कोष में भरे जाने के कारण आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन पर तो नाभिक का क्या रहता है, आकर्षण रहता है। परिरक्षण प्रभाव में आकर्षण किस पे नहीं रहता है, यानी बाह्यतम कोष में, जैसे अपन ने 3D सीरीज में देखा था कि 3D तो बाह्यतम कोष था, तो उस स्थिति में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, नाभिक के आवेश को आवृत कर लेते हैं, ढक लेते हैं, तो नाभिक की आवेश जो है वो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर नहीं लग पाता। तो इस कारण जो ही बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन आता है तो आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन के मध्य रिपल्सन फोर्स प्रभावी हो जाता है, जिसके कारण उसके आकार में क्या होती जाती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि लैंथेनाइडों में इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में भरे जाते हैं, n-2 4f में भरे जाते हैं, मतलब चाहे n-2f बोल दो चाहे 4f बोल दो, छठे आवर्त के हैं तो 6-2 क्या हो जाएगा, 4f में भरे जाते हैं, जो कि आंतरिक कोष है, और आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नाभिक आकर्षण होता है, रिपल्सन फोर्स इतना प्रभावी नहीं हो पाने के कारण क्या होता है, इनके आकार जो है वो
बढ़ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब यदि मैं शॉर्ट में कहूँ तो लेंथेनाइडों में परिरक्षण प्रभाव जो है वो डोमिनेंट होता है, अप्रभावी होता है। परिरक्षण प्रभाव जो है वो उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है। तो नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी होने के कारण, तो नाभिकीय आवेश ज्यादा प्रभावी होगा तो आकार क्या होएगा, छोटा होएगा। परिरक्षण प्रभाव यानी नाभिकीय आवेश को संतुलित करने के लिए नाभिकीय आवेश के कारण उसके आकार में जितनी कमी आई है उतनी क्या होनी चाहिए, वृद्धि भी होनी चाहिए। वृद्धि किसके कारण होगी, परिरक्षण प्रभाव के कारण। जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ रहे हैं, इनर सेल में बढ़ रहे हैं जो कि 4f, आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस कारण परिरक्षण प्रभाव जो है वो उतना नहीं बढ़ पाता कि ये नाभिकीय आवेश को क्या कर दे, संतुलित कर दे, कि जितने आकार में कमी आई है उतनी वृद्धि कर दे, लेकिन उतनी वृद्धि ये कर नहीं पाता है। इस कारण यहाँ पर प्रभावी नाभिकीय आवेश जो है वो इफेक्टिव हो जाता है, प्रभावी हो जाता है और आकार में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कारण लेंथेनाइडों में सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक की तरफ जाने पर परमाणुीय आकार और आयनिक त्रिज्या में कमी आती है, और इसी प्रकार परिरक्षण प्रभाव के कम प्रभावी होने, नाभिकीय आवेश के अधिक प्रभावी होने, यानी परिरक्षण प्रभाव द्वारा हुई आकार में कमी को इसके द्वारा संतुलित नहीं किए जाने के कारण नाभिकीय आवेश जो है वो प्रभावी हो जाता है और आकार में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। कारण है N-2f में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण। और यही जो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या के मान में जो कमी आती है उसी को कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन या लेंथेनाइड संकुचन कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। दोनों प्रभाव आपको याद करने हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव उसको बढ़े हुए नाभिकीय आवेश को यानी कम करने के लिए होता है कि इलेक्ट्रॉन का मध्य प्रतिकर्षण बढ़ जाए और आकार में वृद्धि हो जाए। लेकिन लेंथेनाइडों में N-2f आंतरिक कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाने के कारण परिरक्षण प्रभाव उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि उसको होना चाहिए था, ताकि आकार में वृद्धि हो जाए। नाभिकीय आवेश ही बढ़ता है, इस कारण परमाणु त्रिज्या और आणविक त्रिज्या के मान में कमी आती है। इसी को कहा जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है आज के लिए क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा आपसे पहला ये है कि संक्रमण तत्व के एक यौगिक, संक्रमण तत्व के एक यौगिक के चुंबकीय आघूर्ण डाइपोल, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण का मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान 3.9 बोर मैग्नेटोन है। तत्व में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, एक संक्रमण तत्व है यानी उसके द्वारा कोई यौगिक निर्मित किया गया है, तो उस तत्व में यानी उसका चुंबकीय आघूर्ण है वो इतना है, तो तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए यानी स्मॉल एन का मान ज्ञात करना है। उस वाले फॉर्मूले से μ=√n(n+2) बोर मैग्नेटोन, मान किसका दिया हुआ, किसका ज्ञात करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। दूसरा मेरा आपसे क्वेश्चन है, गैडोलिनियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, यानी गैडोलिनियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, उनकी संख्या आपको बतानी है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके फिर बताना है कि इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।